खान क्या करो मैं राखों के ढेर का चपटी भवोत में खजाना कुबेरा गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू बोले बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भवोत में खजाना कुबेर का हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू बोले ओंकार तू आयो शरण भगवान शंकर जिनकी एक क्षण की भक्ति भी व्यक्ति को खाली नहीं बेचती, उनका एक क्षण का किया गया भजन, एक क्षण का किया गया स्मरण, एक क्षण की करी गई अविरल भक्ति खाली नहीं जाती। शिव को भजने के लिए कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि भगवान शंकर को अगर हमें रिझाना है, भगवान शिव की अगर हमें भक्ति करना है, भगवान शंकर के ये बक्से नहीं चल रहे कोई से, भगवान शंकर की अगर हमें भक्ति करना है, भगवान शंकर का यदि हमें स्मरण करना है, हमें बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। शंकर की भक्ति करने के लिए, भगवान शंकर का भजन करने के लिए, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करने के लिए हम अपने घर में रहकर दिल से अगर शंकर भगवान को याद कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर रहे हैं, दिल से हम भगवान को पुकार रहे हैं, शिव दौड़ कर आ जाते हैं। एक देवता का तो एक धाम होता है, भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का वैकुंठ धाम है, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक धाम है, इंद्र का इंद्रलोक धाम है, गरुण वरुण का अपना अपना धाम है। केवल एक ओघड़दानी भगवान शंकर ऐसे हैं जिनका एक धाम नहीं है, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे शंकर का है, संपूर्ण ब्रह्मांड। राम जी अयोध्या के राजा हैं, द्वारकाधीश द्वारका के राजा हैं, ब्रज में भगवान कृष्ण राधा रानी राज्य करते हैं, वैकुंठ में भगवान नारायण राज्य करते हैं, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी राज्य करते हैं, सर्व जगत में
सारे देवताओं का अपना अपना एक स्थान नियुक्त है, पर केवल एक देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर केवल एक ऐसे हैं जिनका तलातल से लेकर रसातल, रसातल से लेकर पाताल, पाताल से लेकर जो भी जितने लोग हर जगह पर मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव का निवास है और अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए मेरे शिव दौड़कर उसके पास पहुंच जाते हैं। बस शंकर भगवान को आडंबर से दूर रखा गया, मेरे ओगड़दानी को मेरे शंकर भगवान आडंबर से परे। फिरोजाबाद की इस पवित्र कथा का एक बात तो आप लोगों से जरूर कहूंगा कि लाखों की जनता है, लाखों की भीड़ है, पंडाल के अंदर पंडाल के बाहर सब दूर भक्त बैठे हैं, पर जब कथा श्रवण करने का समय आता है आप लोग एकदम साइलेंट हो जाते हो, एकदम चुप होकर भगवान की कथा को अपने भीतर उतारते हो। और यही शिव भक्ति है। 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये तुम खर्च कर यहाँ तक पहुँचे हो, 50 रुपये, 100 रुपये खर्च कर तुम यहाँ आए हो, और आने के बाद अगर आप व्यर्थ की चर्चाओं में पड़ जाओ तो तुम्हारा इतनी दूर तक आना और भगवान से दिल लगाना व्यर्थ गया। शिव को कहीं पर भी बैठकर, शंकर को कहीं पर भी जाकर, भगवान शंकर का कहीं पर भी बैठकर भजन कर शिव को प्राप्त कर सकते। कहते हैं जब इंसान करवट लेता है तो दिशा बदलती है। आपने इधर की करवट ले ली तो इधर की दिशा हो गई, उधर की करवट ले ली तो उधर की दिशा हो। आप इधर की ओर मुख कर सोए इधर की दिशा हो, आप उधर मुख कर सोए तो उधर की दिशा हो। इंसान करवट बदलता है तो केवल दिशा बदलती है, और भोले बाबा की जब कृपा होती है, शिव महापुराण की कथा जब हम श्रवण करते हैं, पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं या टीवी के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से भगवान शंकर की कथा को अपने भीतर उतारते हैं, इंसान कर्मठ बदलता है तो दिशा बदलती है, और शिव महापुराण के बाद जब वक्त कर्मठ बदलता है तो आदमी की दशा बदल जाती है। दिशा बदलना और दशा बदलना दोनों में अंतर, बहुत अंतर। दिशा कितनी भी बदलो, कभी इधर का मकान तोड़कर इधर बना लो, कभी दुकान तोड़कर उधर बना लो, कभी गाड़ी की दिशा इधर कर लो, कभी मुख की दिशा उधर कर लो, कभी सोने की दिशा इधर कर लो, कभी हमारा पलंग इधर कर लो, कभी सोफा उधर कर लो, दिशा कितनी भी बदल लो, दिशा बदलना मुख्य नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मनुष्य की दशा बदलना चाहिए, और दशा बदलने के लिए कहीं हमें नहीं जाना है। दशा बदलने के लिए केवल दो कार्य करना है, एक अपनी मेहनत चारगुनी करना है और दूसरा भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना है, दशा बदलना। कर्मट बदली, दिशा बदल गई, मनुष्य कर्मट बदला तो दिशा बदली है, और वक्त कर्मट बदला है तो दशा बदली। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, हमारे वक्त को बदल देता है, दशा को बदल देता है।
और मेरी जीजियों से और मेरे जीजाओं से निवेदन है, एक बात याद रखिएगा, अपने भीतर उतार कर रखिएगा। आज शरद पूर्णिमा है, कार्तिक का महीना प्रारंभ हो जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा। तुमको जगह लग रहा है कि मेरे दशा नहीं बदल रही, मैंने दिशा बदल कर देख लिया, मैंने घर का रुख बदल कर देख लिया, दुकान बदल कर देख ली, सब कुछ बदल कर देख लिया, आज साउंड सेट नहीं है, तुमने घर का फर्नीचर बदल कर देख लिया, सब कुछ बदल कर देख लिया, तो अब एक महीना शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक एक नियम बना लो, एक चावल का दाना, केवल एक, ज्यादा नहीं, केवल एक, एक चावल का दाना जो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है सामने, एक चावल का दाना जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, बस उस पर एक चावल का दाना चढ़ाने का एक नियम आप बना लीजिए। शिव मंदिर जाते हो आप लोग? कौन कौन जाता है जरा हाथ उठाओ सभी लोग। हाँ ठीक है, रखो रखो, धन्यवाद, प्रणाम आपको, नमन, जो आप भगवान शंकर के मंदिर जाते हो। बहुत जरूरी है शिव के मंदिर जाना, भगवान के मंदिर जाना। ये विधर्मियों ने जो हमारे मंदिरों को पूर्व में तोड़ा है ना, उसका कारण कोई दूसरा नहीं था, उसका केवल एक ही कारण था कि हमारे सनातनियों ने मंदिर जाना छोड़ दिया था, इसलिए उन्होंने तोड़कर अपना अपना स्थान बना लिया। अगर सनातनी मंदिर जाता रहता, आप मंदिर की देहली चढ़ते रहते, रोज मंदिर में एकाग्रित होते रहते, मंदिर में इकट्ठे होते रहते, तो किसी के बाप की हिम्मत नहीं थी कि मंदिर की ओर आंख उठाकर भी देख ले। शिव महापुराण की कथा केवल एक ही काम करती है कि रोज मंदिर जाओ। जो हमारे मंदिरों में से मूर्तियों को तोड़ा गया, हमारे मंदिरों में से सोना निकाल लिया गया, हमारे मंदिरों को खंडित कर दिया गया, उसका कारण केवल एक था कि सनातनियों ने मंदिर जाना छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि इन विधर्मियों ने ऐसी चाल चल दी थी कि मंदिर मत जाया करो, भगवान नहीं है, देवता नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, और लोगों ने अपनी चाल चल चल कर तुम्हें मंदिर से दूर कर दिया, और उन्होंने मंदिर पर कब्जा कर लिया। रोज जाओ मंदिर शिव को जल चढ़ाने के लिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। कभी तो सुनेगा, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के बीच में एक नियम बना लो कि मैं जल चढ़ाने रोज जाती हूं, एक चावल का दाना मैं अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगा, केवल एक। चावल का दाना समर्पित कब करना है? जब आपका शंकर भगवान पे जल समर्पित हो जाए, शिवजी पर जल आप चढ़ा लो, चढ़ाने के बाद वो चावल का दाना जो आप अपनी पल्लू में बांध के लाई हो, या गठरिया में बांध कर लाई हो, या जो जैसे भी भाव से आप लेकर आई हो, डलिया में, पल्लू में, जैसे आप लाए, वो चावल का दाना उस एक चावल के दाने को एक महीने तक आप रोज एक चावल का दाना लेकर जाओ, रोज चढ़ाओ, अपनी कामना कर कर, बाबा मैंने दिशा बदल कर देख ली, दुकान बदल कर देख लिया, व्यापार बदल कर देख लिया, घर बदल कर देख लिया, काम बदल कर देख लिया, पर मेरी दशा नहीं बदल रही, अब ये मैंने चावल का दाना, चावल का मतलब होता है अक्षत, सबसे पहला अक्षता, सबसे पहला अक्षता। कभी
अगर मौका मिलेगा ना तो ऐसी ही कोई शिव महापुराण की कथा में हम जो कल्याण के अंक पढ़ते हैं, जिन जिन कल्याण को हम पढ़ते हैं, कल्याण का अंक जो निकलता है उसको हम पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर बातें मिलती हैं। कभी अगर मौका मिलेगा तो एक बार कल्याण का अंक शिव का हम आपको एक एक पृष्ठ का दर्शन कराएंगे कि उस पृष्ठ पर क्या लिखा। स्वयं अन्नपूर्णा महारानी काशी में विराजमान होकर नंदी पर बैठ कर आए हुए देवाधिदेव महादेव की साक्षी में कहती है, स्वयं अन्नपूर्णा महारानी काशी की पवित्र भूमि पर नंदी पर बैठ कर आए हुए भगवान शंकर से कहती है, भोले बाबा, हे शिव, हे शंकर, हे विश्वनाथ, विश्व का भरण पोषण करने वाले हे विश्वनाथ, मैं आपको क्या दूं? मैं आपको क्या प्रदान करूं? अन्नपूर्णा महारानी कहती है कि मैं आपको क्या दूं जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण हो जाए और आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हो जाए और मेरी भी दशा बदल जाए। मैं आपको क्या दूं, क्या प्रदान करूं मैं आपको? दुनिया के लोग कहते होंगे कि भगवान को सोना देना, चांदी देना, हीरा देना, पन्ना देना, रतन देना, आभूषण देना कल्याण का अंक कहता है। अन्नपूर्णा जी कहती हैं कि मुझे आपको क्या प्रदान करूं? भगवान शंकर मुस्कुरा कर कहते हैं, अन्नपूर्णे, केवल एक अक्षता तुम मुझे देती है तो मैं तुझे तेरी दशा भी बदल सकता हूं और तेरी दिशा भी बदल सकता हूं, तुझे अन्नपूर्णा माता के स्वरूप में पुजवा भी सकता हूं। एक अक्षत का दाना, तिलक लगाते हैं, मेरी जीजियां तिलक लगाती हैं, तिलक लगाती हैं तो चावल लगाती हैं कि नहीं लगाती हैं? बोलो, जम के बोलो जरा, लगाती हैं ना। तिलक में चावल लगाया जाता है, चावल का मतलब क्या होता है? तिलक लगाने के बाद अक्षत क्यों लगाया गया? उसका कारण यह है कि भगवान मेरे ऊपर ऐसी कृपा करना कि ये जो मैंने चावल का मतलब होता है कि ये घड़ी वापिस देखने को मिले। आज मैं अगर यजमान बना हूं, आज अगर मैंने आज पूजन करी है, आराधना करी है, यज्ञ करा है, अनुष्ठान करा है, देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा करी है, मैंने कोई हवन करा है, पंडित जी ने तिलक लगाया, चावल लगाया, चावल का मतलब है कि ये बार बार यजमान बनता रहे, ये बार बार ऐसी कृपा भगवान करे कि इसके ऊपर ऐसी करुणा हो कि ये बार बार कथा कराते रहे, ये बार बार यज्ञ कराते रहे, ये बार बार अनुष्ठान कराते रहे। अक्षत का मतलब पुनरावृत्ति, बार बार हो। सनातन धर्म में किसी के मरने के बाद में 10 दिन तक मस्तक पर तिलक नहीं लगाकर चावल नहीं लगाया जाता। बोल, लगाते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा सनातन धर्म कहता है कि ये जो घटना घट गई, अब भगवान इस घटना के बाद दूसरी घटना ना घटाए, इसलिए चावल का प्रयोग ही नहीं, अक्षत का प्रयोग ही नहीं। मस्तक पर तिलक के बाद फिर चावल नहीं। एक अक्षता, एक बेलपत्र और एक लोटा जल, यह हमारी जिंदगी की सार्थकता है। एक अक्षत, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, यह हमारी जिंदगी की सार्थकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर। अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको? सबको स्मरण में है? अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो चावल का दाना कब चढ़ाना है? जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित कर, जल समर्पित करा, अपने घर की ओर आ रहे हैं, उसके पहले चावल का दाना अपनी पल्लू में से खोल कर निकाला, चढ़ाया, भगवान को प्रणाम करा, बाबा बहुत कुछ कर देख लिया पर दशा नहीं बदली।
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हंतो छड़ना मैं कटी जावांगी भोले मैं तेरी पथ शंभो मैं तेरी पथ हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हंतो छड़ना कंटी एक अक्षत एक चावल का दाना चलो जाने दो सतयुग की इस कथा को सतयुग की इस कथा को अपन मान लो छोड़ दो अब आ जाओ अपन द्वापर की कथा में भागवत जी किस किस ने सुनी है हाथ उठाओ जरा सबने सुनी है भागवत जी में एक चरित्र आता है भगवान कृष्ण के एक परम मित्र थे जिनका नाम सुदामा था गुलाब जामुन लेकर गया था वो भगवान द्वारकाधीश के पास इमारती समोसा कचौड़ी पूड़ी भजिया सब्जी तरकारी फूल दुर्वा बेलपत्र कुछ लेकर गया नहीं गया द्वारकाधीश के चरणों में क्या लेकर गया था दुनिया के लोगों ने कहा कि एक मुट्ठी चावल से दो मुष्टिक चावल से भगवान ने तीन लोग का राज्य दे दिया अरे वो तो तीन मुष्टिक चावल था सुदामा यदि एक दाना भी चावल द्वारकाधीश के पास ले जाता तो द्वारकाधीश भंडार भर देते द्वारकाधीश भंडार भर देते वो तो चावल का एक दाना भी अगर लेकर पहुंचता तो वो भंडार भर देते एक दाना चावल भी बहुता में हो जाता बहुत इसीलिए शास्त्र में वर्णन आया इसीलिए शास्त्र वर्णन किया राधा जितनी रोई कान्हा के लिए कन्हैया उतना उतना रोया है सुदामा के इसलिए स्मरण उसका आया मर उनके स्मरण चित्त में उनकी भक्ति में उनकी विरल भक्ति में शिव तत्व की प्राप्ति हो एक चावल का दाना भी भगवान शंकर के विरल भक्ति को प्रणाम एक चावल का दाना भी भगवान शिव की भक्ति का सुख प्रदान कर देता है एक चावल का और राधा जितनी रोई रोई काना के लिए राधा जितनी रोई रोई काना के लिए कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा राधा जितनी रोई रोई काना के लिए राधा जितनी रोई रोई काना के लिए कन्हैया उतना रोया सुदामा के कन्हैया उतना रोया सुदामा एक चावल का दाना हम सतयुग की बात करें तो ये अन्नपूर्णा और माँ अन्नपूर्णा और भगवान शिव विश्वनाथ का चरित्र पढ़ रहे हैं पर अगर हम द्वापर की बात करें तो द्वापर की चर्चा में द्वापर की बात में भगवान
कृष्ण और सुदामा का चरित्र वर्णन कर रहा है। एक चावल का दाना सम्मुख में, क्या करेगा अक्षत? चावल का एक दाना क्या करेगा, क्या कर सकता? शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये एक चावल का दाना नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये एक चावल का दाना नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये हमारा एक निर्मल मन है, चावल की तरह सफेद साफ सुथरा। ये हमारा मन है जो हमने भगवान शंकर को अशोक सुंदरी के माध्यम से शिव तक पहुंचा दिया, शिव तक दे दिया। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, पूरा एक महीना जब जिसको समय मिलता है वो पहुंचता है और बाबा के दरवाजे पर दीप लगा कर आता है, कुबेर भंडारी के यहाँ दिया जला कर आता है। क्यों? एक विश्वास के बल पर, एक भरोसे के बल पर। और अगर हमारा विश्वास हमारा भरोसा, अभी हम कल जा रहे थे तो यहाँ से वो फिरोजाबाद के लिए पुल के नीचे से निकलते हैं तो वहाँ ऐसा हाथ जोड़ा हुआ है, एक चौराया बना हुआ है, ऐसा हाथ जोड़ा हुआ। उस चौराहे पर एक ऑटो आगे आगे चल रहा था, ऑटो के पीछे लिखा हुआ था कद बढ़ाने के लिए संपर्क करें। पढ़ा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो सही, पढ़ा? ऑटो के पीछे लिखा था कद बढ़ाने के लिए संपर्क करें। आज हम भी आपसे कहते हैं कदम बढ़ाने के लिए हमसे संपर्क करें। कद बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाना जरूरी है। बढ़ते रहोगे आगे, चलते रहोगे मंजिल तक, अगर पहुंच गए तो हाइट से भी छोटे रह गए ना तो भी लोग तुम्हें सलाम ठोकेंगे। हाइट से भी कम रह गए ना, कद केवल हाइट का नहीं होता है, केवल हाइट का कद नहीं है। कदम बढ़ाइए, हिम्मत मत हारिए। एक पत्र है। मैं सपना कुमारी निवासी जरोती खुर्द की रहने वाली हूँ, जिला फिरोजाबाद। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जरोती खुर्द फिरोजाबाद की रहने वाली हूँ। मेरा भाई 3 सालों से नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था लेकिन वही कामयाब नहीं हुआ। फिर एक दिन मेरे भाई ने ये विचार कर लिया कि अब मैं क्या करूं। हमारी मौसी ने आपके बारे में बताया, तब हमने कथा सुनना प्रारंभ करा, भोले बाबा के मंदिर जाना प्रारंभ करा। मेरे भाई ने भी भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मेरे भाई ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और पशुपतिनाथ का व्रत जब मेरे भाई ने किया, बेलपत्री और शहद का प्रयोग किया, मेरे भाई ने कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना कर आगे बढ़ना है, आपकी बार मैं पुलिस का फॉर्म भरता हूँ और पुलिस का फॉर्म भरूँगा और खूब मेहनत करूँगा, कथा सुनूँगा, मंदिर जाऊँगा और एग्ज़ाम देने जाऊँगा तो एक बेलपत्री पर शहद लगा कर जाऊँगा। आज भी उसने जो पत्र भेजा है उसमें शहद से बेलपत्री चिपका कर भेजी है, टीवी पर आप लोग देख सकते हैं। आज भी उसने शहद से बेलपत्री चिपका कर भेजी है उस पत्र के साथ, एलईडी चल रही है तो उस पर भी आप लोग देख सकते हैं, पत्र पर बेलपत्र चिपका।
शहद का बेलपत्र लगा कर जाऊँगा। और गुरुदेव, मैं बाबा को क्या धन वर्णन करूँ गुरुदेव, 1 जुलाई 2024 को मेरे भाई दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गया, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। कदम, एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम भारती भरद्वाज है, जिन्होंने ये पत्र लिखा था, अगर वो बैठी हो, सपना कुमारी जी, जरोती खुर्द की रहने वाली हैं, फिरोजाबाद की, आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। एक भारती भरद्वाज, फिरोजाबाद की निवासी हूँ, कहीं बैठी हो, आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले आ जाओ। एक बार हाथ हिला दो वहीं से। श्री शिवाय नमस्तु। मैं फिरोजाबाद की निवासी हूँ, भारती भरद्वाज, बाबा के चरणों को प्रणाम करती हूँ गुरुदेव। 2020 से मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा, बाबा ने मुझे बहुत कुछ दे दिया गुरुदेव। 2020 से कथा सुन रही हूँ, बाबा ने मुझे बहुत कुछ दे दिया। एक बेलपत्र शहद लगाने से क्या होता है, मेरे बेटे ने जो किया मैं आपको बता रही हूँ। ना मेरे बेटे ने कोचिंग करी, ना मेरा बेटा कहीं कोचिंग करने के लिए गया, ना ट्यूशन पढ़ने के लिए गया। आपकी कथा सुनते सुनते मेरे बेटे ने संकल्प ले लिया कि मैं घर में मेहनत करूँगा। और सीओर वाला महाराज कहता है कि अपने मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, पढ़ूंगा भी, शारीरिक मेहनत भी करूंगा और शंकर के मंदिर भी जाऊंगा। शंकर भगवान के मंदिर जाता, जल चढ़ाता, मेहनत करता, पढ़ाई करता, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। जिस दिन मेरे बेटे ने फॉर्म भरा, मुझसे कहा, माँ आज पहली बार फॉर्म भर रहा हूँ और मुझे बाबा पर भरोसा है कि मेरा बाबा मुझे सफलता देगा। शंकर को बेलपत्र पर शहर लगाकर पेपर के लिए चले गया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरा बेटा एयरफोर्स में लग गया और आसाम में उसकी जॉब है। मैं भगवान शंकर को प्रणाम करने के लिए आया। एक विश्वास, ऑटो के पीछे लिखा है कद बढ़ाने के लिए संपर्क करें। हम व्यासपीठ से कह दे कदम बढ़ाने के लिए संपर्क करें। पीछे नहीं हटना है हमको। आपने अपने दिल से सोच लिया ना कि मुझे 12th पास करना है, मुझे साइंस लेना है, मुझे कॉमर्स लेना है, मुझे ये करना है, मुझे इसमें जाना है। कलेक्टर बनने वाला भी इंसान है, एसपी बनने वाला भी इंसान है, एसडीएम बनने वाला भी इंसान है, मंत्री बनने वाला भी इंसान है, कमिश्नर बनने वाला भी इंसान है, और बड़े से बड़े अहदे पर बैठने वाला भी इंसान है, कोई दूसरा नहीं। इंसान का मतलब है कि उसको मेहनत करना है। अगर आप मेहनत करोगे, आप अपने लगनता से काम करोगे, खूब पढ़ोगे, खूब मेहनत करोगे, तो दुनिया में ऐसा कोई पद नहीं जो तुम्हारा चरण ना चूमे, वहां बैठ सकते हो। कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते? अजय, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता? ओ पालनहारे निर्गुण प्यारे, तुमरे हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिना हमरा कोई। दुनिया में कौन सा काम है जो आपसे नहीं हो सकता? बस मेहनत करना। ऑटो पर लिखा है कद बढ़ाने के लिए संपर्क करें, हम कहते हैं कदम बढ़ाने के लिए शिव महापुराण को संपर्क करें। शिव पुराण आपको वो बल देगी, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शिव महापुराण वो बल देगी
कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे जरूर, और अपना लक्ष्य निश्चित कर कर चलना है। बढ़ो, चलो, माताएं कहती हैं गुरुजी बहुत तकलीफ चल रही है, कष्ट का जीवन है। माताएं कहती हैं गुरुजी बहुत तकलीफ चल रही है, कष्ट का जीवन है, बहुत बहुत दुविधा का जीवन है, बहुत दुख का जीवन है। आप मेरी जीजी हो, माताएं कहती हैं बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, बहुत तकलीफ है गुरुजी। आप हमारी जीजी हो, आप हमारे जीजा हो, हमारी बेटियां, हमारे बेटा, हमारी माताएं, हमारे भाई बंधु, स्मरण करिएगा, किसकी जिंदगी में दुख नहीं है कोई बता दे। भगवान राम भी अगर पृथ्वी पर जन्मे हैं तो उनकी जिंदगी में भी दुख था, भगवान कृष्ण अगर पृथ्वी पर जन्मे हैं तो उनकी जिंदगी में भी दुख था। इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर जो जन्म लेता है उसके सामने दुख सामने चलता है, दुख सामने, तकलीफ सामने चलती है। लोग कहते हैं मैं बड़ी दुखी हो गई, मर जाऊं तो अच्छा। मरना हर चीज का एक निर्णय नहीं है कि मर गए, मर गए वापिस जन्म लेना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, फिर भोगना पड़ेगा। अपनी ड्यूटी पूरी करो ना, कि यहाँ कितने कमलेश बैठे हैं, जिसका नाम कमलेश हो वो हाथ उठाओ तो अभी ढेर सारे हाथ उठ जाए। फिर हम कहें कि लीलाबाई कितनी बैठी है तो लीलाबाई हाथ उठाए तो ढेर सारी हो जाए। फिर हम कहें कि यहाँ रमेश कितने बैठे हैं तो लोग हाथ उठा दें कि हम रमेश हैं। कोई हम कहते हैं कि विपिन कितने बैठे हैं तो लोग विपिन हाथ उठा दें।
तुम भरी सभा में से निकल कर जा रहे हो, आवाज लगा दो एक बार जम के, विपिन 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 विपिन, कितने विपिन इकट्ठे हो जाएंगे, पर तुम्हारे पास वो ही विपिन आएगा जो तुम्हारा है। दूसरा विपिन आएगा, लीला लीला लीला, आवाज लगा दो ढेर सारी लीला खड़ी हो जाएगी, पर लीला वही आएगी जो तुम्हारी अपनी है। उसी तरह भगवान को पुकारते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो, नमः शिवाय बोलते रहो, ओम नमः शिवाय बोलते रहो, राम नाम कृष्ण नाम बोलते रहो, जपते रहो, एक ना एक दिन वो शंकर तुम्हारे पास दौड़कर जरूर आएगा, तुम्हारे करीब जरूर आएगा, ये निश्चित है। अब पुकारो उसको, जब हम उसको दिल से पुकारें वो क्यों ना दे। पर एक निवेदन है, चावल का दाना देने वाली मेरी जीजियों से, चावल का एक दाना समर्पित करने वाले मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, माताओं से, वो चावल का दाना नहीं है, वो बहुत एक एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो, फूल नहीं ये मेरा जम के तो बोलो, फूल नहीं ये मेरा दिल है। उसी तरह भगवान शंकर से कहना ये चावल का दाना नहीं। सुदामा जी ने चावल की पोटली जब भगवान द्वारका नाथ ने ले ली, वो चावल की पोटली नहीं थी, चावल के दाने से और चावल की पोटली को देखकर भगवान द्वारका नाथ सुदामा की दशा जान गए थे। चावल का दाना नहीं है, वो तुम्हारे घर की दशा है जिसको भोलेनाथ को बदलना है। वो चावल का दाना नहीं है, वो तुम्हारे घर की दशा है जिसको भोलेनाथ को बदलना, शिव को बदलना। विश्वास से दिया गया भगवान के बरु एक पत्र है। मेरा नाम सीमा शर्मा, पति कृष्णकांत शर्मा, प्रकाश नगर, मुरसान रोड, सादाबाद, हाथरस से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती है, बच्चा आया है साथ में ले आइए। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, 3 साल पहले मेरा 9 साल का बेटा एक गंभीर बीमारी से मर गया। 9 साल का बेटा चले गया, बहुत दुखी हो गए, दिन रात रोती रहती, मेरा 9 वर्ष का बेटा चले गया, कुछ भी नहीं बचा। अब जीने का सार तत्व क्या है, किसके आश्रित होकर जीऊं, अंदर से टूट गई। तब मेरी जेठानी ने मुझे आपकी कथा के बारे में बताया और कहा कि एक बार पंडित प्रदीप मिश्रा कथा बाजते हैं, उनकी कथा तो सुन। तू आसन लगाकर, मेरी जेठानी ने खुद आसन लगाया और आसन लगाकर मुझे कथा सुनने के लिए बिठा दिया। 2022 में पहली बार टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनी, रोती जाती और कथा सुनती जाती। 9 साल का मेरा बेटा चले गया। गुरुदेव आपने सावन के महीने में शिवरात्रि का ऑनलाइन पूजन कराया, मैंने आसन लगाकर पूजन किया, टीवी के सामने बैठकर विधि विधान से जैसा आपने कराया वैसा मैंने पूजन किया। बाबा से विनती करी, बाबा कुछ तो कृपा करो, तो भी मुझे मेरा बेटा चाहिए, बस ऐसी कृपा आप कर दीजिए बाबा। आसन लगाकर रोज कथा सुनती, बाबा पर मेरा इतना विश्वास हो गया, क्योंकि मैं अंदर से टूट चुकी थी तो मेरे बाबा पर भरोसा कर लिया कि मेरा बाबा मेरी गोदी फिर भरेगा। गुरुदेव करूं तो करूं क्या, तब सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। अपनी ननंद ने मुझसे कहा कि एक काम करो, नोएडा में कथा हो रही है 2023 में, आप यहां आ जाओ। मैं अपनी ननंद के घर चली गई और एक दिन की कथा नोएडा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी। नोएडा के पंडाल में जब मैंने कथा सुनी, मैंने बाबा से कहा, बाबा वो सियोर वाला महाराज कहता है कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले की झोली तू भरता है, आज ये मिट्टी मैं
बाबा प्रणाम कर कर जाती हूँ अपने मस्तक से लगा कर कि मेरा भी गर्भ जरूर ठहराना, मेरा 9 साल का लड़का चले गया उसको वापिस लौटाना। बाबा को प्रणाम करा, वहाँ से आई, 15 दिन बीते और बाबा की कृपा ऐसी हुई, कुछ समय के बाद पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से 21/2/2024 को वापिस मेरा बेटा मेरे बाबा ने मुझे लौटा दिया और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बेटे का फोटो लगा रही हूँ, बेटे को लेकर यहाँ आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते कि लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला माल काशी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, आप उससे अपने दिल की बात कहने के लिए जब जागरूकता के साथ भगवान से अपने मन की बात एक अक्षत के माध्यम से कहते हैं, वो सुनता है। कौस, फिर वही वाली बात आ गई, फूल तुम्हें भेजा है मैंने, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं, जम के बोलो जरा, मेरा दिल। बस उसी तरह एक चावल का दाना मेरे घर की दशा देख लेना मेरे भोले बाबा। और मैंने सुना है कि कार्तिक के महीने में अशोक सुंदरी अपने पिता के घर में रहकर माता लक्ष्मी की गोद में धन देती है, मैंने सुना। तो मेरे बाबा आप ये अशोक सुंदरी से कहकर मेरे भी गोदी में ऐसी खुशियां भर देना कि जीवन में कभी दुख ना आए। एक चावल, एक अक्षत। विश्वास, भरोसा शिव तत्व की ओर। जब हम अपने भरोसे को दड़ी बना लेते हैं, जब हमारे विश्वास को हम दड़ी बना लेते हैं, जब हमारे भरोसे को हम प्रबल बना लेते हैं, तो शिव क्यों ना सुने, शंकर कैसे ना सुने। और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। एक अविरल भक्ति की और एक विश्वास के साथ दृढ़ी, भरोसे के साथ। हमको खुद नहीं मालूम कि मेरा भोला बाबा, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी शंकर क्या देता है। बस भरोसा दृढ़ी हो, भरोसा दृढ़ी हो तो महाकाल करीब होता है, भरोसा दृढ़ी हो तो मेरा कुबेर भंडारी करीब होता है, भरोसा दृढ़ी हो तो
तो दुनिया का सारा काम होता है, और भरोसा दृढ़ हो तो शिव का साक्षीकरण होता है। शिव नजदीक, केवल दुनिया के लोग सोचे कि दुख हमारे ऊपर आ गया, तकलीफ हमें आ गई, ना ना, राम जी पृथ्वी पर जन्मे, राम जी को तकलीफ आई, भगवान कृष्ण प्रगति पृथ्वी पर आए, उनको तकलीफ आई, संसार में जन्म लिया है तो दुख तो आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, पर कष्ट में जो ना घबराए वही शिव का भक्त है। और आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपका कष्ट आपको मिटाना है, सियोर वाला महाराज नहीं मिटाएगा। आपकी तकलीफ, आपका कष्ट आपको मिटाना है, दुनिया का कोई बाबा तुम्हारा दुख नहीं मिटा सकता। कोई तुमसे कहते कि वो बाबा जी दुख मिटा देंगे, फालतू की बात है, बाबा जी तो खुद दुखी है तुमसे, काय का दुख मिटाएंगे ना। दुनिया का कोई बाबा कोई महाराज दुख नहीं मिटा सकता, अपना दुख अपने को मिटाना है। हमने पहले भी कथा में कहा, अपने को छींक आई अपने को छींकना है, अपने को खांसी आई अपने को खांसना है, अपने को हाथ में चोट लगी है तो गोली अपने को खाना है, पेट दुखा दवाई अपने को खाना है, सिर दुखा दवाई अपने को खाना है। तुम्हारा सिर दुखेगा तो क्या पति गोली खाएगा? ईमानदारी से बोलो, नहीं। पति का सिर दुखेगा तो तुम गोली खाओगी? नहीं। जिसका सिर दुखा गोली उसको खाना, जिसका पेट दुखे हो दवाई उसको खाना, छींक आ रही है तो हमें छींकना, छींक तुम्हें आ रही, तुम पड़ोसी से करे छींक 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 छींक, पड़ोसी क्यों छींके? हमारी तकलीफ हमें मिटाना, दुनिया में कोई नहीं मिटाएगा। आप अपना दुख अगर मिटाना चाहते हो तो एक लोटा जल लेकर मेरे महादेव के चरणों में जाना प्रारंभ करो, और मेरा बाबा एक ना एक दिन हाथ पकड़कर आगे बढ़ा है। दुख क्यों ना मिटेगा? सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तकलीफ क्यों ना मिटेगी? आपके भीतर है कष्ट, है दुख, मिटेगा। पर आज के जमाने में व्यक्ति इतना आलसी हो गया ना कि वो मंदिर जाना भी पसंद नहीं करता। उसको तो क्या चाहिए कि कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए, कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए कि वो बस ऐसी भभूति फेंके और कहीं से कुछ हंडा निकल जाए। आज के जमाने में लोग कुछ करना ही नहीं चाहते। अरे तुम जाओगे तो तुम्हें मिलेगा, जाओ ना उस परमात्मा के दरवाजे तक, जाओ उस शंकर के द्वार तक, मेरे बाबा ओघरदानी के दरवाजे तक, शंकर के शिवालय तक एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाइए, क्यों ना। एक पत्र है, मेरा नाम नंदिनी अग्रवाल, मेरे पति का नाम मोहन अग्रवाल, मैं धौलपुर राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। धौलपुर राजस्थान से आई हूँ, मेरा नाम नंदिनी अग्रवाल, मेरे पति का नाम मोहन अग्रवाल, मैं धौलपुर राजस्थान से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। गुरु जी, मेरे शरीर में कष्ट था, अचानक से तकलीफ बढ़ी, और बाबा पर भरोसा कर डॉक्टर ने तो ऑपरेशन का कहा था मुझे, पर बाबा पर भरोसा कर मैंने बेलपत्र खाकर और जल पीकर गुरुदेव अपने स्वास्थ्य को ठीक करा। बेलपत्री खाती थी तो मुंह में छाले हो जाते थे गुरुजी, मैं बेलपत्र खाती थी तो मेरा मुंह छार छार हो जाता था, मुझे स्वाद नहीं आता था। तब मैंने क्या करा, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र लेकर आती, उसको सुखा लेती, सुखाकर उसको पीस लेती, पीस कर उसका चूरा बनाकर पानी से निगल जाती, फिर मेरे मुंह में छाले भी नहीं आए और मेरे मुख में स्वाद आना भी चालू हो गया। गुरुदेव, कुछ समय निकला और मेरे पति की तबीयत खराब हो गई, पति के पैर में फोड़ा हो गया, फिर उनके शरीर में गांठ पड़ गई, गांठ का डॉक्टर को दिखाया तो उसने ऑपरेशन का बोल दिया, जांच का बोला, जांच होगी फिर बाबा के हिसाब से। ऑपरेशन कराकर गठान निकाली, निकाल कर जांच के लिए गई, तब डॉक्टर ने कहा कि इनको बड़ी बीमारी के योग है, कैंसर जैसी बीमारी से सुनकर हम घबरा गए, इतना दुख हुआ गुरुजी। तब मेरे पति ने कहा कि वो सियोर वाले महाराज कहते हैं कि मंदिर में झाड़ू लगाने से, पोछा लगाने से दुख समाप्त होता है, चल अपन दोनों मंदिर चला करेंगे, क्यों रोती है?
बड़ा बीमारी बताई है ना, कोई बात नहीं है, उसने बोला है ना कि तो चिंता मत कर, अभी एक रिपोर्ट आना बाकी है, चल मेरे साथ। हम दोनों पति पत्नी मंदिर जाते, मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते, बाबा को जल चढ़ाते, आते गुरुदेव बाबा से बस प्रार्थना करते, बाबा कुछ भी कर मेरे पति की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए, बाबा से रोज विनती करते। तभी आपकी कांवड़ यात्रा आ गई सीहोर की, और मैंने अपने पति से कहा कि मैंने सुना है कि सीहोर की कांवड़ भरने से दुख समाप्त होता है, तुम चलो मेरे साथ। हम दोनों पति पत्नी कांवड़ चढ़ाने के लिए चले गए। वहाँ से कांवड़ चढ़ाकर बाबा को प्रणाम कर वहाँ से कंकर शंकर लेकर रुद्राक्ष लेकर आ गए, उसका जल पीते। पति भी रोता और मैं भी रोती। रोते रोते समय निकला, फिर हमारी रिपोर्ट बाबा से हमने कहा, बाबा एक जांच की रिपोर्ट आना है जो मुंबई गई है, बस तू कृपा कर दे कि वो रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए, बाकी के डॉक्टरों का तो हमने सुन लिया। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, हम कांवड़ से होकर आए, रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा और जांच के लिए रिपोर्ट पहुंची, और जो रिपोर्ट जांच के लिए गई बाबा की कृपा से उसमें कैंसर नहीं निकला। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई, उसमें कैंसर नहीं निकला, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं, जितने लोग टीवी के सामने बैठे हैं एलईडी पर, पहले आप पढ़ेंगे, पहले आप बोलेंगे कि हमको मालूम पड़े कि तुम पत्र पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, क्या लिखा है, आप गुनगुनाना चालू करो, क्या लिखा है, जम के बोलो जरा, तेरी तेरी कृपा बिना ना हिले, एक लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, भगवान पर करा हुआ भरोसा विश्वास दृढ़ता, आपका दुख आपको मिटाना है, आपको शिवालय तक जाना है, आपको शंकर के दरवाजे तक जाना है, आपको शिव मंदिर तक जाना है, हम भी जाते हैं आप भी जाइए, हम भी भजन करते हैं आप भी करिए, आडंबर में ना पढ़ना है, दिखावे में नहीं पढ़ना है, व्यर्थ की बातों में नहीं पढ़ना है, ढोंग ढकोसले में नहीं पढ़ना, हमें तो भगवान के भरोसे रहना, भगवान। और क्यों रोए, क्यों तकलीफ, तेरे सिर पर भोले ना फिकर फिर क्या, क्यों सोचना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर तेरे सिर पर भोले ना, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोले ना, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोले ना, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोले ना, फिकर फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोले ना फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोले ना फिकर फिर क्या करना।
करो
करना हो क्या करना, क्या करना हो क्या करना, फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, तेरे पर भोले नाथ कर फिर क्या करना, तेरे पर भोले भोले बाबा माँ गौरा मैया, पितु भोले बाबा गौरा मैया, ओ पितु भोले बाबा गौरा मैया, पितु भोले बाबा गौरा मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो, तेरे मिटेंगे कष्ट तमाम कर फिर क्या करना, 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 ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोले नाथ कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोले नाथ कर क्या करना, तेरे सिर पर भोले नाथ कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोले नाथ कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोले नाथ कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोले नाथ कर फिर क्या आर आर, अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से दिल से प्रार्थना करिए, भाव से भगवान शिव को अपने मन की बात कहिए, दिल से बाबा को अपने हृदय की बात, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से बड़े भाव के साथ आनंद से प्रार्थना करिए। जहां भी जगह मिले वहां बैठकर जहां जगह मिले वहां बैठकर आज शरद पूर्णिमा का पावन अवसर है, चंद्रेश्वर सोमनाथ शिव महापुराण की कथा चल रही है, बड़े भाव से आनंद से ये बक्से नहीं चल रहे हैं, बड़े भाव से आनंद से दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, सब साथ में बोलेंगे हृदय से बोलेंगे, भावों के साथ में बाबा अपने हृदय की बात करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नम
शान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सहित दुख काटो हमारा, ओ भोला सहित दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, दुख किसकी किस्मत में नहीं है, दुख कहाँ नहीं, सभी जगह पर, हर स्थान पर, प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में, प्रत्येक मानव के जीवन में तकलीफें आती जरूर, कष्ट आता जरूर है, ऐसा नहीं कि नहीं आए, बस थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। पार्वती जी का, माता सती का विवाह का कथा कल अपन ने श्रवण करी थी। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का इतना अपमान करा, इतना अपमान करा कि दरवाजे पर पुतला बनाकर खड़ा कर दिया। दरवाजे पर शिव जी का पुतला बनाकर खड़ा कर दिया, द्वारपाल बनाकर, दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा करा। और माता सती को मालूम पड़ा कि भगवान शंकर को दरवाजे पर पुतला बनाकर खड़ा करा है, उनका शिव जी का एक पुतला पाषाण का, क्यों खड़ा करा दक्ष प्रजापति ने? पुतला इसलिए खड़ा करा कि आते जाते लोग देखें कि हमने शंकर भगवान को दरवाजे का द्वारपाल बनाकर खड़ा करा, हमने शिव जी को द्वारपाल बनाकर खड़ा करा। केवल दुनिया